पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी भागीराम जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जी, पार्टी के जिला के प्रधान सरदार बलविंदर सिंह कैरो जी, आपके विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के विधायक भाई रविंदर बलियाड़ा जी, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक विधानसभा के मेरे साथी श्री बलवान दौलतपुरिया जी, महिला की अध्यक्ष श्रीमती सरोज सांगा जी, हल्का के प्रधान सदा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले भाई विकट सिंह हडोली जी, शहरी प्रधान अरुण खन्ना जी, रमेश लाली जी, महिला की हल्का के प्रधान श्रीमती राजेंद्र कौर जी, श्री देवदत्त बिश्नोई जी, राजकुमार मित्र जी, अन्य मेरे साथ मंच पे बैठे हुए पार्टी के जिला के ब्लॉक के प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग आज के इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव से, शहर के बाढ़ से पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले आपके सामने सबने अपने विचार रखे, सबने लोकसभा के चुनाव की चर्चा करी। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा के लोकसभा के चुनाव 12 मई को होंगे। इस देश में जब पिछला लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में लोगों की तो एक मंशा थी, इच्छा थी कि कांग्रेस के 10 साल के कुशासन से पीछा छूटे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ सके, इसके लिए लोग चाहते थे कि कोई तीसरा मोर्चा बने। उस तीसरे मोर्चे को हम अपना मनचाहा वोट दे करके प्रदेश में मेरे की किसान की सरकार बना सके, लेकिन तीसरे मोर्चे का गठन नहीं हुआ। अलग अलग पार्टियों के जो लीडर थे वो आपस में बैठ करके तीसरे मोर्चे का गठन नहीं कर सके। लोगों के सामने बड़ी मजबूरी थी, लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, कांग्रेस से छुटकारा चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर के जब देश भर में गए, तो उन्होंने हर वर्ग के लोगों को कैसे लुभाया जा सके, कैसे उनका वोट लिया जा सके, इसकी आवाज बढ़ाना भैया, कैसे वोट लिया जाए, उसके लिए अलग अलग तरह के नारे दिए। अगर मैं उनके द्वारा किए गए जो वायदे थे, उन सब की चर्चा करूंगा, थोड़ा सा कम कर देता तो बहुत समय लग जाएगा। तीन ऐसे वायदे थे जिससे हर आदमी प्रभावित होता था। हर आदमी ये मान के चलता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये तीन वायदे पूरे हो गए, तो फिर हर वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा।
पहला वायदा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस ने 50 वर्ष में इस देश से धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस काले धन को वापस देश में लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में जन धन योजना के तहत 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। वायदा बहुत बड़ा था, हर आदमी ये मान के चलता था कि तेरे खाते में अगर 15 लाख रुपए आ गए तो जो कोई छोटा मोटा कर्ज तेने बैंक से ले रखा है उस कर्ज से भी मुक्ति पा लेगा और बचे हुए पैसे से छोटा मोटा धंधा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेगा। दूसरा वायदा किया था, देश की 70% आबादी जो गांव में रहती है, जो केवल खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनसे वायदा कर दिया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान की फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% ज्यादा किसान को देकर के मालोमाल कर देंगे। तीसरा वायदा कर दिया था पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ, उनसे कहा था कि हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरी और रोजगार देंगे। वायदे तो और बहुत सारे किए थे लेकिन 3 मुख्य ऐसे वायदे थे जिससे आम आदमी को फायदा हो रहा था। लोगों ने मोदी जी की बात पे विश्वास करके वोट दे दिया, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 महीने के बाद चुनाव था और 4 महीने का जो चुनाव होने जा रहा था उस वक्त मोदी ने हरियाणा प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में जाकर के मीटिंगें करी, वहां और ज्यादा बड़े बड़े वायदे कर दिए। जो कोई कच्चे कर्मचारी थे उनसे कह दिया आप सबको पक्का करेंगे, और पक्का लगा हुआ कर्मचारी था उसको कह दिया पंजाब के समान वेतन मान देंगे। हरियाणा में भी ये कहा था कि 5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार और नौकरी देंगे और वायदा ये किया था 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे आपको पानी देंगे, नहर के अंतिम छोर पे पानी पहुंचा करके किसान के खेत की फसल को पकाएंगे। अनेक वायदे यहां भी लोगों के साथ कर लिए। हरियाणा में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी अकेले अपने बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बना लेगी, लेकिन लोगों ने मोदी की बात पे फिर विश्वास किया और हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की बन गई। सरकार बनने के बाद विधानसभा का जब सत्र आया था, सेशन आया था, तब हमने पूछा था कि आप जो वायदे करके आए हो लोगों के साथ वो कब तक पूरे होंगे, तो मुख्यमंत्री कहने लगा कि हमारी नई सरकार बनी है, हम नए लोग हैं, हमें इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ जो वायदे करके आए उन सब वायदों को पूरा करोगे, और अगर आपने वायदे पूरे नहीं किए तो फिर हमारी जिम्मेवारी लोगों ने विपक्ष की लगाई है, जहां हम आपकी पोल खोलेंगे, जहां हम आपका विरोध करेंगे, वहीं हम आपको विधानसभा में भी इस बात के लिए जवाब दे बना देंगे। हमने इंतजार किया, साल भर कोई काम नहीं हुआ, 5 साल हो गए, केवल और केवल लोगों का ध्यान बांटने के लिए नई नई बातें कहनी शुरू कर दी, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करी, कभी देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का नारा दे करके आम आदमी के हाथ में, चाहे गांव का पंच था सरपंच था, चाहे कोई कलरगढ़ डीसी था, चाहे कोई एमएलए था मंत्री था, सबके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, सबको का सफाई पे लग जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी, फिर कोई स्वच्छ भारत की बात करी, अब डिजिटल हरियाणा की बात करते हैं, कभी हैप्पी हरियाणा की बात करते हैं, जिस चीज का हमारे से कोई संबंध नहीं दूर दूर का, उन सब बातों को कह करके हमारा ध्यान बांटते हैं, कभी गाय का नारा देते हैं, कभी गीता का देते हैं, कभी सरस्वती की बात करते हैं। जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं कर रहे,
मैं जब SYL के मामले को लेकर के आपकी पार्टी के इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से SYL को लेकर के जो फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया, अगर सरकार उस SYL नहर का निर्माण नहीं करवाती तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों के बीच में जाकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। और हमने 2 साल तक लगातार अलग अलग चरणों में 6-7 दफा आंदोलन किए। हर आंदोलन में आपकी पार्टी की तरफ से एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी समझ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो इसके लिए लड़ाई लड़ी। चाहे वो पंजाब में जाकर के गिरफ्तारी देने की बात थी, चाहे दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट को घेरने का मामला था, चाहे प्रदेश के सत्र पे हर विधानसभा क्षेत्र के एक एक हल्के के कार्यकर्ताओं ने धरने देकर के प्रधानमंत्री को रेजुलेशन भेजा, और चाहे आप लोगों ने फिर दिल्ली में जाकर के लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री को आगाह करके आए, और चाहे आप डबवाड़े से लेकर के अंबाड़ा तक की सारी सड़कें रोकने की बात थी, और उसके बाद जेल भरो आंदोलन में तो हर जिले से हजारों हजारों की संख्या में जहां बड़े बुजुर्ग गिरफ्तारी दे रहे थे, मांग कर रहे थे, वहां हमारी माताओं और बहनों की संख्या भी हजारों में थी। उन्होंने भी प्रदेश के किसान के हित के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के गिरफ्तारियां दी। जब भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को दोनों को ये लगा कि अब प्रदेश में हालात बदलते जा रहे हैं, लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर कैसे आपकी पार्टी को कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए, इसके लिए दोनों पार्टियों ने मिलकर के षड्यंत्र रचने शुरू कर दी। जो वायदे पूरे करने थे वायदे नहीं पूरे किए, आप कैसे कमजोर हो इस काम में लगे। आज फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हम किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया सालाना देंगे, हमारा अपना पैसा है जो हमारे से सरकार ने लिया है, उसका कुछ हिस्सा हमें देकर के फिर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, पहले तो कांग्रेस के लोगों ने जो दिल्ली के साथ लगता हुआ हरियाणा था, जहां किसान की जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी, उस किसान की जमीन को कैसे बिल्डरों के हाथों में सौंपा जाए, कैसे उन बिल्डरों के साथ मिलकर के अपनी जेब भरी जाए, उसके लिए 4 और 6 के नोटिस देते थे। और सरकार जब एक्वायर जमीन करने की बात करती थी, नोटिस देती थी, उसके कम पैसे किसान को जब मिलते थे तो बिल्डर किसान के पास जाकर के खड़ा हो जाता था, और वो कोई 5-4 लाख रुपए एकड़ का ज्यादा देकर के करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन को कोड़ियों के भाव ले लेता था। जब बिल्डर खरीद लेता था उसको, तो फिर सरकार जो 4 और 6 के नोटिस देती थी वो वापिस हो जाते थे। अरे कांग्रेस से उस बिल्डर के साथ मिलकर के उस बेशक कीमती जमीन को प्लॉटिंग करके महंगी बेच करके अपनी जेब भर देते। हम उम्मीद तो ये करते थे कि कांग्रेस के सरकार में जो लूट मची थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार उन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। इन्होंने उनके पीछे भेजने की बजाय उससे भी 4 कदम आगे बढ़ने का काम किया कि कैसे किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। पहले तो कांग्रेस ने 10 साल मारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बजाय, जब आप धान की फसल बाजार में बेचने गए थे तो नमी के नाम पे 250 से 300 रुपया क्विंटल का कम दिया गया, कोई सरसों बेचने गया तो उसकी सरसों की खरीद सरकार ने करने की बजाय मंडी में खुले में बेचने पे मजबूर कर दिया ताकि उसको पूरा भाव ना मिले। नरमे और कपास जब हम बेचने जाते थे, जब उसकी बिजाई करते थे, तब तो भाव होता था 6,000 रुपए क्विंटल, और जब बेचने गए तो उसी नरमे और कपास का भाव 4,000 रुपए हो गया। 2,000 रुपए क्विंटल का नरमे और कपास में हमें घटा लगा।
जहां हमारी फसल के दाम कम दिए इस सरकार ने, नमी के नाम पे हमारा पैसा काटा, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम के ऊपर 500 रुपए 600 रुपए पर एकड़ के हिसाब से साल में दो दो दफा काट लिए। 1200-1200 रुपए एक एक किसान की जेब से हर साल एक एक एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं। हमारे से तो अगर 1200 रुपए पर एकड़ लेते हैं और उसी 1200 में से 500 रुपया निकाल करके पर एकड़ के हिसाब से हमें फिर वापस दे रहे हैं। पहले हमें लूटते हैं और फिर हमारे पैसे से हमें बरगलाने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो इस देश के अंदर तेलंगाना एक स्टेट है और उस तेलंगाना स्टेट के अंदर वहां का जो मुख्यमंत्री है वो किसान का ही देसी है। जैसे चौधरी देवीलाल हमेशा किसानों के बारे में सोचते थे, जब कभी भी उनको मौका मिलता था किसान को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, सामाजिक रूप से उसकी कैसे ताकत बढ़े, कैसे वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो, इसके बारे में चौधरी देवीलाल हर वक्त चिंता करते थे। उसी तरह से तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो है, वहां का किसान जो सबसे ज्यादा उपज पैदा करता है, जिसकी जमीन में सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, जो सबसे महंगे बिकते हैं, उस किसान को 12000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हर किसान को सरकार देती है। इसलिए देती है कि जब किसान अपनी फसल की बुआई करता है, जब उसको ट्रैक्टर से जमीन को कल्टीवेट करता है, जब उसमें बीज ला करके डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, जो खर्चा उसका बैठता है, जो 6000-7000 रुपए एकड़ का खर्च लगता है, उस किसान के सामने बिजाई बुआई में कोई दिक्कत ना है, उसके लिए सरकार की तरफ से हर छठे महीने 6000 रुपए किसान के खाते में पर एकड़ के हिसाब से जमा हो जाते हैं। अगर सरकार किसान की हितैषी है तो फिर उसकी तर्ज के ऊपर हमारे यहाँ किसान को पैसा मिले। हमें पैसा देने के बजाय हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। हमने बैंकों से कर्जे ले लिए, बैंक के कर्जे दे नहीं सकते। इसके लिए जिस किसी का 10 बार नोटिस कर दिया जाता है घर के बाहर, वो किसान मजबूर होकर के फिर आत्महत्या कर लेता है। किसान को आर्थिक रूप से तोड़ दिया, कमजोर कर दिया और फिर किसान को सामाजिक रूप से कमजोर करने के लिए जाट आरक्षण आंदोलन जब चल रहा था उसकी आड़ के अंदर आपको 35 और 36 जात का नारा देकर के लड़ाने की कोशिश करी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी थी जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के दौरान जो 35 और 36 जात के नारे लगे, जब लोगों को आपस में लड़ाने की सरकार और कांग्रेस ने मिलकर के लड़ा करके अपना वोट बनाने की कोशिश करी, तो केवल आपकी पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती को सद्भावना के रूप में मना करके लोगों के भाईचारे को फिर से कायम किया था। हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, हमें सामाजिक रूप से भी लड़ा करके कमजोर करने की योजना सरकार ने बना दी। अब हमें फिर राजनीतिक रूप से कमजोर करने में सरकार लगी हुई है। आज मौजूदा हालात के अंदर किसान को कमजोर कर दिया है और जो लुटेरे थे, जिनके पास अथाह पैसा था, जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखे थे, जो पैसा लेकर के विदेशों में जमा करा दिया था, जिनसे वसूल करना चाहिए था, उनको झूठ दे दी कि तुम विदेशों में भाग जाओ। पहले तो मालवीय भागा और उसके बाद फिर नीरव मोदी भागा। आजकल अखबार पढ़ते हो, रोजाना खबर छपती है कि जेट एयरवेज का जो मालिक है उसने भी अपने हवाई जहाज यहां छोड़कर के विदेश भाग गया। उसके हवाई जहाज सरकार कब्जे में लेने की बजाय उसको टेलीफोन करके कहते हैं कि तेरे को 1500 करोड़ रुपए का लोन और दे देंगे, ये हवाई जहाज रुके ना, तेरे हवाई जहाज चलते रहे जिनके अंदर बड़े बड़े लोगों को चढ़ करके सफर करने में दिक्कत ना आए।
उनके लिए 1500 करोड़ रुपया बिना ब्याज के उसकी शर्त के ऊपर दे दिया। बात किसान की करते हैं और मदद पूंजीपति की करते हैं, और पूंजीपति की भी उसकी मदद करते हैं जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। किसान तो अगर उसकी फसल खराब हो जाती है, अगर कोई ओलावृष्टि हो जाए, अगर किसान के खेत में सूखा पड़ जाए, कोई गलत बीज की वजह से फसल खराब हो जाए, तो सरकार मुआवजा देने की बजाय भी उस किसान को चक्कर कटवाती है। कभी कहते हैं पटवारी से लिखा, कानूनों से लिखा, तहसीलदार से लिखा, नंबरदार से लिखा, सरपंच से लिखा। अगर किसी की खेत की फसल खराब होगी, सरपंच के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है, तो सरपंच उसके लिए लिख के नहीं देता, इसलिए उसको मुआवजा नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो लोग जो हजारों करोड़ का कर्जा लेते हैं फैक्ट्री के नाम पे, बैंकों से लाखों हजार करोड़ रुपया ले लेते हैं, हजारों करोड़ रुपया सब्सिडी के नाम पे खा जाते हैं, और फिर उस फैक्ट्री को सिक यूनिट दिखा करके सरकार को कहते हैं कि आप इसको चला लें। उन लोगों से वसूली करने की बजाय सरकार फिर उनको पैसा देती है, कहती है इस यूनिट को तुम चलाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हमारे से। उनको तो मालोमाल कर रही है और आपको रोजाना कमजोर कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, सामाजिक रूप से मार दिया, अब राजनीतिक रूप से भी आपको कमजोर करने में लगी है। इसलिए किसान की जिम्मेवारी बनती है कि वो 100% कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में ना आए, इसके लिए उसे एकजुट होना पड़ेगा। उसे आपस में छोटे मोटे मतभेद जो पंचायतों के, चाहे वो सरपंच के चुनाव के हैं, चाहे कोई खेत कार के, चाहे कोई जेवड़े और बोरी के, कोई जो गुस्सा है हमारा एक दूसरे का, उसको खत्म करके हमें एक होना पड़ेगा, एक होकर के अपने उम्मीदवारों को जिताना पड़ेगा। अगर हमने कहीं कोई किसी गलतफहमी के शिकार होकर अपना वोट इधर उधर डाल दिया, तो फिर मान करके चलो आने वाले 5 साल नहीं पछताओगे, फिर सारी उम्र के लिए आप लोगों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, यहां ऐसे लोग वोट मांगते घूमते हैं जिनका कभी आपसे वास्ता नहीं रहा। पहले तो एक दफा अशोक तंवर को आपने बना दिया था, जो रोहतक से चलकर के आया था और आकर के सरसा में कोठी किराए पे लेकर के रहने लग गया और कहने लगा कि आप मुझे वोट दे दो, मैं राहुल गांधी का बड़ा नजदीकी साथी हूं, मैं इस प्रदेश की काया पलट कर दूं। 5 साल तक मेंबर पार्लियामेंट ट्रैक कुछ नहीं किया। आजकल एक बीजेपी की नेत्री घूम रही है कि नहीं घूम रही है? तुमने तो भुगता था पिछले चुनाव में भी, एमएलए के चुनाव में भी आई थी। एमएलए के चुनाव में जब आई थी तो कोई रतिया का एक व्यक्ति नहीं जानता था कौन है, या जानता था कोई? जानते नहीं थे, फिर भी कहीं ना कहीं वोट डाल दिया। जब आपने वोट डाल दिया तो उसके भी हौसले बढ़ गए। अब फिर आ गई कि नहीं आ गई? आजकल जब बारिश होती है, जैसे सावन का महीना आता है, गांव के जोड़ के साथ से निकलते हो, जब छोटे मोटे बादल चल करके आते हैं, तो वहां मेंढकों की आवाज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये बरसाती मेंढक है, ये तो केवल आपका वोट लेने के लिए आते हैं। अच्छी बड़ी गाड़ी में बैठ के आएंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके आएंगे, अच्छे से अच्छी भाषा बोलेंगे, मीठी मीठी बात करके आपको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करेंगे। अरे ये केवल 4 दिन आपसे संबंध रखेंगे, जैसे चुनाव चला जाएगा उस दिन अपनी गाड़ी ले जाकर के सर्विस स्टेशन पे खड़ी कर देंगे, कहेंगे इसको अच्छे से साफ करो, बड़े दिन तक ऐसे लोगों के बीच में रही है कि बदबू से भर गई, फिर इनको तुम्हारे में बदबू आएगी। ऐसी सोच के लोग अगर आपके बीच में आकर के आपसे वोट मांगते हैं, तो फिर आप भी पहले ही ये मन बना लो कि किसी भी किसी गांव में वोट मांगने आए, पहले उनसे हिसाब मांगो
कि वो 15 लाख का है हमारा। उनसे पूछो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का क्या हुआ, उनसे पूछो हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की बात करते थे, बच्चे नौकरी क्यों नहीं लगे। जब आप पूछोगे तो फिर कोई जवाब नहीं आए। अगर आपको पूछने में शर्म आती है तो माता और बहनों को आगे कर दो, ये घूंघट निकाल करके पूछ लेगी कि बता कहां हमारे 15 लाख रुपए। पूछ लोगे कि नहीं पूछ लोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूछोगे कि नहीं पूछोगे गांव में 15-15 लाख कहां है, या मिल गए रतिया में 15-15 लाख? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है तो उससे ये बात पूछ लेना। और कांग्रेस पार्टी वाले जो है वो भी आजकल एक नई बात कहते हैं, कांग्रेस से कहते हैं कि हमने सारे मतभेद भुला दिए, सारे मन भेद भुला दिए, अब हम सारे इकट्ठे होकर के प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीट जीतेंगे। मैंने वो बस देखी थी जिस बस में बैठ करके चले थे, बड़ी हैरानी की बात है, बस में 2 खिड़कियां होती है, इन्होंने पिछली खिड़की में ताला लगा रखा था। मैंने पता कराया कि पिछली खिड़की पे ताला क्यों था, तो कहने लगे बोला जी अगली खिड़की में जब बैठाते हैं तो ये डर रहता है कि पिछली खिड़की से उतर के ना चला जाए। गेट के ऊपर गुलाम नबी आवाज आजाद जब वो खुद खड़े हो जाते हैं, और जैसे बाड़े में भेड़ बाड़ते हैं ना उस तरह एक एक करके बस में बैठा देते, और बस में सबको बाढ़ करके फोटो खिंचा करके फिर अखबार में खबर छपवाते हैं कि सारे कांग्रेसियों ने मतभेद खत्म कर दिए, मतभेद रहे। और थोड़ी देर के बाद जब जैसे ही बस का ब्रेक लगता है फिर सारे कांग्रेसी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं, और शाम का जब आखिरी पड़ाव आता है तब गुलाम नबी आजाद फिर सर पकड़ करके बैठ जाता है कि पता नहीं जिनको मैं बड़ी मुश्किल से भेड़ों की तरह बाड़े में बाड़ करके आया था सारे के सारे फेरे गुरुद्रो ने। फिर पूरी रात कसरत करता है, अगले दिन फिर सुबह उनको बैठा करके लेकर के चल पड़ता है। जिन कांग्रेसियों की जूतियों में दाढ़ मट रही है, जो आपस में लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, मान के चलो वो आपके हित से नहीं हो सकते, वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए कैसे MP बन जाए कैसे MLA बन जाए इसके लिए अपनी पहचान बनाने का काम करते हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में। आप चाहते हो कि आपकी ताकत बढ़े, आप राजनीतिक रूप से मजबूत हो, अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत होगे तो फिर कोई आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं कर सकेगा, और ना कोई फिर सामाजिक रूप से आपको अलग थलग कर सकता, फिर तो क्योंकि तुम्हारी अपनी ताकत बढ़ जाएगी, और तुम्हारी अपनी ताकत होगी तो फिर दूसरे की हिम्मत नहीं बढ़ेगी, फिर वो दूसरा जो इस बात से डरेगा इसके पास ताकत है, अगर तैने कोई इसके समाज को तोड़ने की कोशिश करी तो उसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। अगर राजनीतिक रूप से तुम कहीं कमजोर पड़ गए तो फिर ऐसे सिर फिरे लोगों को फिर सोई फीसदी हौसले बढ़ जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी, फिर वो आपको और ज्यादा कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए इस लोकसभा के चुनाव के अंदर एक पार्टी का और भी जिक्र कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी है, कई बार नाम लिया JJP। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सरकार बढ़ने जा रही थी, और इन लोगों ने कांग्रेस के हाथों में खेल करके आपकी सरकार ना बने इसके लिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी। ये तो वो लोग हैं जो कांग्रेस के हाथों में खेलते हैं। जब हम जेल भरो आंदोलन चला रहे थे, ये पत्रकार साथी बैठे हैं, आप लोग भी अखबार पढ़ते हो टेलीविजन देखते हो, आम आदमी की जबान पे एक बात आ गई थी कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी, 10 लोकसभा की 10 की 10 सीट जीतेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात चलती थी कि नहीं चलती थी? कांग्रेस भी मानते थे, BJP वाले भी मुझे कहते थे सरकार तो आपकी बनेगी। अब मिलते हैं तो कहते हैं हमने आपकी सरकार बनने में रुकावटें खड़ी कर दी। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे नेताओं को बरगला सकते हो, आप हमारी पार्टी में तोड़ फोड़ कर सकते हो,
किसी को पैसे का लालच दे सकते हो, किसी को कुर्सी का दे सकते हो, किसी को चेयरमैनी का दे सकते हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के बलबूते पे पार्टी के संगठन के साथ जुड़ा है। जिस किस्म के हालात आप आज पैदा कर रहे हो, हमने इस किस्म के हालात कई बार इस प्रदेश में देखे हैं। चौधरी देवीलाल जब सन 1977 में पहली दफा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये भजनलाल 36 एमएलए हमारे तोड़ के लेकर के चला गया था, सरकार गिरा दी थी, मुख्यमंत्री बन गया था। लोग कहते थे इनको सरकार चलानी नहीं आती, अखबार वाले कहते थे इनको राजनीति बना रहता है। उसके बाद सन 1987 के अंदर हमारे पास 51 एमएलए थे, गवर्नर ने कांग्रेस के दबाव में आकर के भजनलाल को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिला दी थी और समय दे दिया था सरकार तोड़ने के लिए। उन दिनों में दल बदल पे कोई रुकावट नहीं थी, इसकी वजह से उस वक्त भी बहुत सारे एमएलए बिक गए थे। तब भी लोग कहते थे अब ये राज नहीं बना पाएंगे, अब ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। 87 में भी यही बात चली थी और 87 के बाद जब हमारे 9 एमएलए जीत करके आए तब तो ये कहने लग गए थे अब तो इनके 9 से 10 भी नहीं होंगे। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब जब पार्टी को किसी ने कमजोर करने की कोशिश करी, उसने संगठन को मजबूत बना दिया, उसने और ज्यादा मेहनत करी, उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि इन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं अपने संगठन को मजबूत बनाऊंगा और अपने गांव में पार्टी को जिता करके फिर से अपनी सरकार बनाऊंगा। आज फिर इन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश करी है, लेकिन 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो सच्चा सिपाही है आज नए सिरे से पार्टी को फिर कैसे मजबूत और संगठित किया जाए, कैसे संगठन बड़ा खड़ा किया जाए, इसके लिए लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिता करके लोकसभा में भेजेगा। लोकसभा में जब आपके प्रत्याशी जीत करके जाएंगे तो अब की बार तो हड़ंगा बढ़ेगा, अब की बार तो ना बीजेपी की सरकार बनती ना कांग्रेस की बनती, अब की बार तो एक एक एमपी की कीमत होगी। और हमारे जब 4-5-6 एमपी जीत करके जाएंगे तो जो सरकार बनेगी हम उस सरकार के सामने शर्त रखेंगे कि सबसे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगा, हम उसको समर्थन देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। हम इस बात की शर्त रखेंगे कि किसान का कर्जा माफ हो तो हम उनके सामने इस बात की शर्त रखेंगे कि गरीब की बेटी की शादी में 5 लाख रुपए कन्यादान के मिले। हम इस बात की भी शर्त रखेंगे कि गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है जो नौकरी के लिए फार्म अप्लाई करे तो 20% मार्क्स उसको ज्यादा दिए जाएं ताकि वो नौकरी से वंचित ना हो। हम इन सब बातों के साथ जहां लोकसभा में शर्त के साथ समर्थन देंगे, वहीं हरियाणा के अंदर आपके बलबूते पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से सरकार बनाएगी। ये जिस पार्टी की तीसरी की बात कर रहे थे उनको तो बेचारों को चुनाव निशान भी ऐसा मिल गया कि कोई आदमी वोट डालेगा भी नहीं, चप्पल लेके घूमते हैं। हरियो कहते हैं खड़ा हुआ है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल तो वो तपस्वी और त्यागी आदमी था जो राजकोट ठुड्डे में रखता था, जब किसान की कोई अनदेखी करता था, कोई किसान के सामने कठिनाई खड़ा करता था, चौधरी देवीलाल बड़े से बड़ा पद ठुकरा करके किसान के साथ जाकर के खड़ा हो जाता था। वो तो किसान के साथ खड़ा होता था। अरे ये लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना दादा नहीं, गौतम को दादा कहते हैं। सुना था कि गौतम नाम का दादा कोई सुना कि नहीं सुना? टीवी में भी आता है, अखबार में भी आता है, दुष्यंत बारी बारी कहता है दादा गौतम दादा गौतम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं,
और वो गौतम दादा जो है भाषण जब देता है तो कहता है कि छोटू राम इस देश का गद्दार था, साधु राम इस देश का गद्दार था, जिनको सर की उपाधि मिली है वो सारे देश के गद्दार थे। वो तो किसान को, जो किसान का हमदर्द था, जिसको हम किसान के मसीहा के रूप में मानते हैं, उनको ये गद्दार कहते हैं। अगर उनको गद्दार कहेंगे तो फिर मेरे ख्याल कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो उनकी चप्पल लेके उन्हीं के सर में चप्पल नहीं मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा। कोई तुम्हें गाली देगा तो क्या करोगे? तो फिर इस बात का ध्यान रखना, वो चप्पल वाले आए तो चप्पल लेकर के उसी चप्पल से गांव से दुड़ा देना, ताकि दोबारा ऐसे लोग आपकी सरकार जो बनने वाली थी, जिसमें रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन दो मीटिंग और भी आ गई, इसलिए आपका ज्यादा समय और नहीं लेना चाहता। मैंने टवाणा जाना है, टवाणा से नरवाणा जाना है, इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि लोकसभा के चुनाव में चौटाला साहब जिसको भी आपका प्रत्याशी बना करके भेजे, उसके पक्ष में मतदान कराना। आप सारे कार्यकर्ता साथियों एक मिनट एक बात सुन लो, आप सारे कार्यकर्ता साथियों, आप जिम्मेवार लोग, आपके पास 1.5 महीने का समय है। अगर आप आज से अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने वार्ड के अंदर, हर रोज अगर 10 घरों में जाकर के, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन समय निकाल करके आप पार्टी के प्रचार में लगे, क्योंकि काम का समय है, आप और बहुत सारे काम करने, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके रोजाना 10 घरों में गांव के अंदर जाकर के उन साथियों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो। उनको जाकर के भाजपा और कांग्रेस की कमियों और खामियों का जिक्र करो, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिले उसके बारे में प्रचार करो। अगर रोजाना 10 घर में एक कार्यकर्ता जाएगा तो 100% चुनाव से पहले आप एक एक घर में जाकर के मतदाता से मिल लोगे, और एक एक से मिलोगे, उसका मन बदलोगे, तो फिर कोई आपके गांव में आपके बूथ पे आपको जीतने से रोक नहीं सकता, फिर आपका पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा। आज से इस काम को करोगे जाकर के, चौधरी ओम प्रकाश चुटाल दोनों हाथ सबके नहीं खड़े हो रहे हैं, हाथ खड़े करने का मतलब भी जानते हो क्या? मतलब यह है कि हम परमात्मा को साक्षी मान के बात करते हैं, इसलिए एक एक कार्यकर्ता आज से इस काम में जुटो। परमात्मा ने चाहा तो चौधरी ओम प्रकाश चुटाला भी अप्रैल के महीने से, 15 अप्रैल से पहले पहले आपके बीच में, जब आपके प्रत्याशियों के फार्म भरे जाएंगे तो 100% चौधरी ओम प्रकाश चुटाला स्वयं उसके साथ खड़े होकर के उसका नॉमिनेशन फाइल। यही सारी बातें आपसे करने के लिए आया था, आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।